तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आज का जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को टारगेट देने वाला हूँ कि कितना पॉइंट दिन का करना चाहिए, कि एस पे हो या एस मास्टर पे हो या 100 मतलब 10,000 के रैंक के अंदर घुस गए हो, 7,000-8,000 के आसपास रैंक है, तो आपको कितना पॉइंट दिन का करना चाहिए, उससे आपको ईजी कॉन्करर मिल सकता है। और ये भी बताएंगे कैसे हर एक मैच में आपको प्लस निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को, एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले देखो ये जो गेम प्ले है ना भाई, चिकन डिनर वाला गेम प्ले है और अच्छा खासा किल भी निकाला हूँ। और कैसे बिल्कुल सेफ खेल के ना इजी चिकन भी निकाल सकते हो ना, इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको पता चल जाएगा। और कल वाले वीडियो में ना बहुत सारा हैकर वगैरह आया था, तो हर एक क्लिप मैंने ऐड किया, जरूर इस वीडियो को नहीं देखा ना तो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि कल का जो दिन था ना बहुत ज़्यादा बेकार था। और आज मैंने उतना जितना माइनस किया था ना उससे थोड़ा सा कम प्लस कर लिया, मतलब 50 के आसपास मेरे को माइनस लग गया था, तो मैंने 40 के या 35-40 के आसपास मैंने प्लस लिया हुआ। आज का दिन भी इतना कुछ खास नहीं था, पर एक गेम प्ले निकला था थोड़ा सा अच्छा था, तो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ ये वाला वीडियो। और देखो ये वाला वीडियो में ना चिकन तो होने ही वाला है, और कैसे सर्वाइव करूँगा ना भाई एक बार ज़रूर देखना। तो मैं यहाँ पे देखो पहले क्या हो रहा था ना, मैं पूरा कोई बड़ा कंपाउंड में जा रहा था, जैसे कि मान लो कि वो जो जॉर्जोपुल का सिटी है उस साइड जा रहा था, या जो हमारा शेवरनी वगैरह है, या वो थम क्या बोलते हैं उसको भी भूल जाता हूँ नाम, जो भी है वो याशनिया वगैरह है ना, उस टाइप का मैंने उस जो बड़े बड़े कंपाउंड है ना उधर मैं जा रहा था। पर मेरा मैंने बोला था कल के जो वीडियो में थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करूँगा, मैंने क्या किया कि मैं जोन से जो प्लेन पाथ है ना उधर से मैं पूरा एकदम कम से कम 3,000 मीटर दूर आ जाता हूँ गाड़ी लेके, और जितना भी छोटा छोटा कंपाउंड है, एक दो घर वगैरह है ना, मैं देख सकते हो छोटा छोटा कंपाउंड में लूट रहा था, और मैं 3-4 जोन तक वेट करता हूँ, और जब 4th जोन बनने वाला रहता है ना तो मैं तभी जोन के अंदर एंट्री लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि जोन जब नेक्स्ट बनेगा ना तो मैं जोन के अंदर एंट्री लूँगा, पूरा हिल वगैरह करके मैं एंट्री लेता हूँ, क्योंकि देखो जोन अभी बनने वाला था, जोन जब ये स्टार्ट होगा मैं तुरंत चालू कर दूंगा, क्योंकि देखो इस जोन में अब जोन के अंदर नहीं पहुंच पाए ना तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जोन के अंदर सर्वाइव करना, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला जोन ना काफ़ी अच्छा डैमेज देता है, और इतना दूर मतलब 3,000 मीटर जाने के लिए भाई 2-3 मिनट भी लग जाता है, कभी कभी 5 मिनट के आसपास लग जाता है, उससे आपको नेक्स्ट जोन भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसी जोन में आप निकल सकते हो ज़्यादा दूर हो तो जोन के अंदर। और भाई कभी मतलब जब जा रहे हो ना ये भी याद रखना, बहुत बंदे गलती करता है, देखो जब भी जा रहे हो ना तभी कहीं कोई बड़े कंपाउंड वगैरह या ज़्यादातर जो शॉप वगैरह रहता है ना, पेट्रोल पंप का भी ज़्यादा शॉप वगैरह रहता है ना, उधर से कभी मत निकलना, उधर से थोड़ा सा रोटेशन दे के निकालना, क्योंकि देखो तो शॉप वगैरह में ना बंदे बैठ रहते हैं, और इजी क्योंकि देखो तो आप जोन के अंदर से जा रहे हो और डैमेज तो पक्का हो गए, तो डैमेज के मतलब उसमें ही आपको एक दो गोली गलती से भी कनेक्ट कर दिया ना भाई, आपको पूरा गेम प्ले डाउन हो सकता है। ऐसे मैंने बहुत बार मरा हूँ, तो इसलिए मैं सोचा था कि आप लोगों से बता दो, इससे आप लोगों को थोड़ा सा सर्वाइव करने में हेल्प होगा। तो यही टिप्स था। और यहाँ पे देखो मैं आ जाता हूँ, या जो जॉर्जपुल की साइड में जो ब्रिज की इस पार जो छोटा सा ब्रिज होता है ना उसकी इस पार जो 3-4 घर रहते हैं इधर आ जाता हूँ, और लकीली यहाँ पे कोई बंदा नहीं रहता, फिर भी मैं अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ, भी कोई कंपाउंड में आपको लगे कि बंदा नहीं है ना फिर भी एक बार चेक कर लो, क्योंकि देखो सोलो में ना बहुत खतरनाक वाला कैंपर रहता है, समझ रहे हो ना। अब देखो गेम प्ले का बारी है, क्योंकि मैं जोन के अंदर भी पोजीशन ले लिया हूँ, और नेक्स्ट जोन जो है ना वो भी इधर बनने वाला है, और तभी मेरे को एक बग्गी का साउंड आता है। और इस भाई को भी इजी किल कर देते हैं, मैं एकदम पूरा स्प्रे लेके मतलब किल किया हूँ, 2 हेडशॉट लग गया था, बहुत अच्छा खासा स्प्रे था, स्प्रे अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना। और देखो यही बोलना था कि सोलो में ना 1v1 फाइट का भी एक मतलब जो फाइट होता है ना वो इग्नोर कर सकते हो, देखो 1v1 फाइट में ना आपको कुछ भी हो सकते हैं, मतलब पता नहीं कब कौन सा मतलब सिचुएशन आ जाए आपको, मतलब सामने वाले बंदी के पास शॉटगन वगैरह भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, तो आपको इजी किल कर देगा। तो जितना हो सके ना 1v1 फाइट इग्नोर करो, हो सके ना तो आप गाड़ी से बंदा उतारो, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अब देखो गेम प्ले का बारी था कि सामने वाला जो मतलब क्या बोलते हैं ना मशरूम टावर टाइप का जो है ना उधर भी एक बंदा था, और वो बहुत अच्छा खासा स्प्रे वगैरह दे रहा था, और हर तरफ ना स्मोक वगैरह होके रखा था, और मेरे को पता नहीं था कि किधर किधर बंदे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पॉट भी नहीं हो रहा था, मैं बस होल्ड करके इधर उधर देखने लगता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी मतलब ये पे टॉप 10 ईजी हो चुका था, और मेरे को थोड़ा वो डाउट था इस मैच में, क्योंकि देखो बहुत कम बंदे अलाइव थे लास्ट जोन में, मेरे को लग रहा था कि भाई कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो मतलब गलत सीन कर सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा पिक वगैरह भी नहीं लेता, बहुत छोटा छोटा पिक लेता हूँ। और हैकर वगैरह आ रहा है ना लॉबी में तो बिल्कुल सेफ खेल लो, जोन के बाहर एंट्री लो, जोन के एज में खेलो ना, तो ज़्यादातर हैकर जोन के एज में बहुत ही कम जाता है, ऐसा नहीं कि जाते नहीं पर बहुत ही कम जाता है, चांस बहुत कम रहता है हैकर का। तब देखो बारी था थोड़ा सा किल निकालने के लिए, क्योंकि एक किल मेरा बॉट का था और एक किल मैं बग्गी से मैंने बंदा उतरा था, तो सोलो में ना भाई
बहुत बंदे ये गलती करते कि भाई लास्ट जोन में देखते कि तीन चार बंदे अलाइव है तो मेरे को थोड़ा किल निकालना है, ऐसा हड़बड़ी में ना किल वगैरह निकालने जाते हैं और भाई इजी किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता हूँ कि आठ बंदे अलाइव है, मतलब आठ बंदे बोलो सॉरी छः बंदे अलाइव है, फिर भी मैं दिक्कत नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को किल नहीं चाहिए, मेरे को चिकन वगैरह चाहिए। टॉप टू भाई निकल जाए ना तो अच्छा खासा प्लस मिलता है, और इसमें मैं कैसे ईजी खेल के ना पूरा चिकन निकाला हूँ भाई क्या ही बताओ। लॉबी बहुत अच्छा खासा लॉबी था पर मेरे को डाउट था इस मैच में थोड़ा सा मतलब हैकर वगैरह हो सकता है, फिर भी देखो यहाँ पे जो बंदा था ना बहुत अच्छा खासा स्प्रे दे रहा था, जोन भी क्लोज इन होने लगता है और मेरे को लग रहा था कि सामने वाला मशरूम टावर पर मेरे को रश करना चाहिए। सबसे पहले तो वो बंदा कहीं और फायर वगैरह ले रहा था मेरे को, मतलब मेरा जो फिट पॉइंट है शायद उसको नहीं आया था, पता नहीं क्या सीन था, जो भी था मैंने पहले उसको डैमेज दे दिया था अच्छा खासा, फिर एक मॉली करके इजी किल कर देते। आप आ रही थे देखो सामने पांच बंदे अलाइव है तो सबका लोकेशन मेरे को नहीं पता था, एक BRDM मेरे को शो हो गया था सामने, एक BRDM है और दो बंदा मतलब एक कूब लेके खड़ा था राइट में दिख जाएगा, देखो BRDM मेरे को शो हो गया था और उधर एक कूब खड़ा था मेरे को पता था उधर भी एक बंदा है और बाकी दो बंदे हैं ना वो किधर है मेरे को नहीं पता था, फिर इधर से थोड़ा सा फायर वगैरह होता है तो मेरे को पता चल गया था कि मेरे सामने ही सारे बंदे, पीछे आसपास कोई बंदे नहीं है, मेरे को बस होल्ड करना था और मेरे को पोजीशन जो चाहिए था ना ये जो टावर है ना इसका ऊपर वाला, उससे थोड़ा सा व्यू वगैरह अच्छा देखने को मिलता है और लूट वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाएगा, तो मैं सीधा ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा लूट करेंगे क्योंकि मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि BRDM जो है ना उसको मेरे को फोड़ना है। तो अब देखो BRDM में स्प्रे वगैरह लूँगा, BRDM वाले बंदे को ना मैं अच्छा खासा डैमेज दिया था, फिर भी कोई क्या बोल भाई वो जो किल था ना मैं चोरी हो गया था, वो कूब वाला बंदा मेरा जो किल है ना DP से चुरा लेता है, कोई दिक्कत नहीं फिर भी क्योंकि देखो मेरे को अभी भी मतलब तीन किल हो चुका था, बिल्कुल मतलब दिक्कत नहीं लेना है सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे को दो तीन किल भी मिल जाता ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। अब देखो मेरे को बस वेट करना था कि बंदा किधर है, अब देखो तभी वो जो कूब वाला बंदा था वो जोन के अंदर एंट्री लेगा, ये जो कूब वाला बंदा था ना पता नहीं गाड़ी स्लो कर देता भाई लास्ट जोन में, आप कभी ऐसा गलती मत करना बहुत ज़्यादा पछताओगे। अब बारी था देखो मेरे को और लास्ट जो बंदा था ना उसका लोकेशन नहीं पता था, तभी मेरे को भाई क्या खतरनाक डैमेज देता है बंदा, अच्छा हुआ था मेरे पास बूस्ट वगैरह था इसलिए 1 HP बच गया था, इसलिए बोलता कि बूस्ट करके रखो। अब देखो इसको कैसे किल करते हैं, भाई ये बंदा तो मेरे को मॉली करने लगता है, इससे पहले मतलब जब भी मॉली कर रहा था ना तभी मैं उसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, फिर कूद के इजी किल कर देते और इसी के साथ 5 किल के साथ ना इजी सेकंड डिनर हो गया था और मेरे को इस मैच में बहुत अच्छा खासा 20 का प्लस मिल गया था, वो भी कॉन्करर लॉबी में, क्योंकि देखो मैं कल जो था ना वो 500 के अंदर मैं हट गया था, मतलब 500 रैंक से हट गया था और इस मैच के बाद ना मैं 480 के आसपास मेरा रैंक आ गया था, तो बोल सकते कॉन्करर लॉबी का गेम प्ले था। तो बस यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पर नया आया ना तो सब्सक्राइब करना, लोग बहुत प्यारा सपोर्ट दिखा रहे हो इसलिए दिल से थैंक यू। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।